अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स आप जब किसी भी डेटा टेबल में डेटा ऐड करते हैं तो उनके कॉलम में जब वैल्यूज ऐड करते हुए आप कोई स्पेसिफिक रूल या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन जो है आप अप्लाई कर देते हैं अपने डेटा से रिलेटेड, तो वो स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफाई करदा रूल जो होता है उसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। हमारे पास बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, बट हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज्यादा यूज होने वाले हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या है? नॉट नल कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जब आप इसको किसी भी कॉलम में ऐड कर देते हैं या आप अपने डेटा टेबल में ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपकी वैल्यू जो है उस कॉलम में नॉट नल होनी चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी उस कॉलम में ऐसा सेल नहीं होना चाहिए या ऐसी फील्ड नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका जो आंसर है या आपकी वो वैल्यू है वो ऐड ना की गई हो। यानी कि अगर आपका एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें आपने यहाँ पे आईडीज लिखी हुई हैं और स्टूडेंट के नेम्स हैं, तो आपका जो आईडी वाला कॉलम है उसमें कोई भी फील्ड ऐसी ना हो अगर आप आईडी वाले कॉलम में कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आईडी वाला एक कॉलम है जिसमें एक इंटीजर वाला आप डेटा ऐड करना चाहते हैं और डेटा का कंस्ट्रेंट क्या लगाया है आपने? नॉट नल। तो इसका मतलब ये होगा कि आईडी वाले कॉलम में आपकी कोई भी फील्ड जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपकी वैल्यू जो है वो ऐड ना हो। नेम्स जो है आप ऐड करें या ना करें डजंट मैटर, लेकिन अगर आपने इसमें ये ऐड किया हुआ है कि आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो नॉट नल का आए, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या डिफाइन करेगा कि आपके इस आईडी वाले कॉलम में हर सेल में हर फील्ड में वैल्यू मौजूद है। उसके बाद आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? यूनिक कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज को डिफाइन करता है। अब यहां पे हम इसी टेबल को अगर देख लें तो यहां पे आपकी एक अगर आपने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया हुआ है तो स्टूडेंट टेबल में आपके पास यहां पे स्टूडेंट की आईडीज और नेम्स हैं। आपका फॉर एग्जांपल यहां पे एक स्टूडेंट का नेम है अहमद, दूसरे का हसन है और तीसरे का फिर अहमद आ जाता है। अब इस कंडीशन में आपके पास एक क्लास में दो स्टूडेंट्स के नेम अहमद हैं, लेकिन ये आप जब आईडीज में यूनिक का कंस्ट्रेंट यूज कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके स्टूडेंट टेबल में जो नेम वाले कॉलम में वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट होती हैं, हो जाए नहीं होती ना हो वो मैटर नहीं करती, लेकिन आपके इस स्टूडेंट टेबल में आईडी वाले कॉलम में जो वैल्यूज हों वो यूनिक होनी चाहिए, सारी वो सेम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं 101 102 इसका है और ये 103 इसका आईडी नंबर है, तो ये 103 और ये 102 यहां पे हमारे पास ये जो दोनों आईडीज होंगी इनके अगेंस्ट सेम नेम होने की वजह से, लेकिन यूनिक आईडीज होने की वजह से हम इस डेटा को डिफरेंशिएट कर सकेंगे। इसके बाद आता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जब आप इसको किसी स्पेसिफिक कॉलम में डेटा ऐड करते हुए यूज करते हैं तो प्राइमरी की होने की वजह से ये आपके उस कॉलम की वैल्यूज को नॉट नल और यूनिक सेम टाइम पे बना देता है। क्योंकि हम प्राइमरी की में पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी की जो होती है एट द सेम टाइम वो यूनिक भी होती है और वो नॉट नल वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं उसमें। उसमें जो नॉट नल वैल्यूज इंक्लूड होती हैं इसका मतलब ये होता है कि आपके उस कॉलम में सारी वैल्यूज जो हैं वो यूनिक हैं और वो नॉट नल हैं। अब अगर हम यहाँ पे फिर स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करें तो स्टूडेंट टेबल में हमारे पास आईडीज और नेम्स हैं। अब इसमें यहाँ पे नेम अहमद, हसन, सुभान और अहमद। अब यहाँ पे अगर आप इसको आईडी को प्राइमरी की कह देते हैं तो ये भी प्राइमरी की होने की वजह से ये तो यूनिक भी होंगी और नॉट नल भी होंगी, और अगर आप आईडी और नेम वाले कॉलम को कंबाइन कह देते हैं कि ये दोनों हमारे प्राइमरी की बन जाए तो प्राइमरी की होने की वजह से आपका ये कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है प्राइमरी की। लेकिन इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपका या तो नेम यूनिक होगा इसमें या आईडी यूनिक होगी, लेकिन कभी भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सेम नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे ये दोनों हमारे पास नेम और आईडी वाले ये जो दो स्टूडेंट्स हैं इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे इस कॉलम में आईडी डिफरेंट है और इधर भी आईडी डिफरेंट है लेकिन नेम सेम है। तो आईडी की बेस पे ये आपका जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है कॉम्बिनेशन वाला, ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होने की वजह से हम डेटा को इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद फॉरेन की कंस्ट्रेंट आता है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है? फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि दो टेबल्स को लिंक कर देता है जिसमें एक बनाया हुआ टेबल जिसमें एक कॉलम की कीज जो है या कॉलम में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूज किया है वो लिंक कर देता है जब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें हमें प्राइमरी कीज जो है पहले क्रिएट करदा टेबल की उन
उनको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है कस्टमर आईडी से रिलेटेड एक टेबल, इसमें कस्टमर की आईडी और उनका नेम मेंशन है। और यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ 401 402 403। इसको अगर मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है, अब इस प्राइमरी की को अगर मैं एक और टेबल बनाता हूँ जिसमें मुझे कस्टमर की आईडी चाहिए, इसको मैं कह देता हूँ टेबल टू। इस टेबल टू में मुझे कस्टमर की आईडी चाहिए और वो कस्टमर की आईडी मैं कह देता हूँ कि ये जो हमारा कस्टमर का टेबल है इसमें आप ये जो प्राइमरी की बनी हुई है इसको लिंक कर दें। तो जब मैं इसको लिंक कर दूंगा यहाँ पे तो ये इस टेबल में रेफरेंस होगा इसका, इस कस्टमर के टेबल की प्राइमरी की वाली जो ये आईडीज थी उनका रेफरेंस होगा। तो ये हमारी यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगी और ये फॉरेन की जो है लिंक कर देगी इन दोनों टेबल्स को। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल भी यही दी गई है कि हमने एक टेबल बनाया जिसमें कस्टमर की आईडी जो है वो इंटीजर फॉर्म में है और हमने इसको फॉरेन की बना दिया है कस्टमर की आईडी को रेफरेंस के तौर पे। अगर किसी दूसरे टेबल में आप कस्टमर्स की डिटेल लिखना चाहते हैं जैसे हमने टेबल टू में लिखी है तो ये आपकी फॉरेन की बन जाएगी। इसके बाद डिफॉल्ट हमारा कंस्ट्रेंट है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या है, ये कैसा कंस्ट्रेंट है जो कि आपकी वैल्यूज को जो है बाय डिफॉल्ट सेट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बनाते हैं एक एम्प्लॉय का टेबल और एम्प्लॉय के टेबल में आप यहाँ पे सेट कर देते हैं आईडीज और आईडीज के रिलेटेड जब आप सैलरी ऐड करना चाहते हैं तो वन बाय वन आपको सैलरी ऐड करते हुए काफी टाइम लगेगा। तो आप यहां पे बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं कि जब भी आप कोई भी आईडी ऐड करें तो उसके अगेंस्ट आपकी सैलरी जो है वो 25,000 बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाए। तो जब आप यहां पे एम्प्लॉयज की आईडी लिखते हैं यानी कि मैं लिखता हूं यहां पे 5001 तो ये ऐड हो जाएगी हमारी इससे रेलिवेंट सैलरी। 5002 करता हूं तो यहाँ पे हमारी सैलरी ऐड हो जाएगी बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने ऐड किया। और इसी तरीके से जितने हम आईडीज ऐड करते जाएंगे उनके अगेंस्ट जो है वो सैलरी बाय डिफॉल्ट ऐड होती रहेगी। अब हम इसको माई एसक्यूएल के वर्कबेंच में देखते हैं कि हम इन कंस्ट्रेंट्स को कैसे यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट की हुई है जो कि कॉलेज के नाम से है और डेटाबेस को हम यूज करते हुए यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं क्रिएट टेबल टेम्प वन के नाम से और इसमें अब हम वैल्यू ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे आईडी लिखनी है इंटीजर और आईडी जो हो वो नॉट नल हो। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करके यहाँ पे टेबल वाले कॉलम में जाऊँ तो ये मेरा टेम्प वन का टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब टेम्प वन में मैं आईडीज ऐड करता हूँ यानी कि मैं यहाँ पे कहता हूँ इंसर्ट इंटू टेम्प वन में वैल्यूज ऐड करनी है। वैल्यूज क्या हों, वैल्यूज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब देखें वैल्यूज क्या है, आईडी है, आईडी आपकी इंटीजर की फॉर्म में नॉट ना लिखा है तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 1001। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दूँ ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट कर दूँ तो पेस्ट करके यहाँ पे मैं अगर इसको खाली रख के इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसमें आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं की। तो जब आप वैल्यू ऐड करते हैं इसी में, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1002 और इसको मैं एग्जीक्यूट अब करवाता हूँ तो एग्जीक्यूट करवाने पे ये हमारी जो वैल्यू है ऐड हो जाएगी। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करके यहाँ पे मैं टेम्प वन वाले टेबल में कॉलम जो है आईडी इसमें चेक करूंगा तो ये मेरी आईडीज जो होंगी वो शो हो जाएंगी। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेम्प वन, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करवाता हूं, अब इसको एग्जीक्यूट करवाने पे मुझे वैल्यूज जो हैं यहां पे शो हो जाएंगी। ये जो वैल्यूज यहां पे हमें नजर आ रही हैं। अब यहां पे मैं टेबल जो टेम्प वन क्रिएट किया हुआ है इसी में मैं आईडीज को इंटीजर की बजाय मैं यहां पे कह देता हूं कि मुझे आईडी जो है वो यूनिक चाहिए। तो आईडी यूनिक किस तरीके से चाहिए होंगी, मैं यहां पे कह देता हूं कि मैं इंसर्ट करता हूं यहां पे वैल्यू इंसर्ट इनटू, इंसर्ट किस में करनी है वैल्यू मैंने टेम्प वन में, और क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वैल्यूज़ क्या हो, वैल्यूज़ होनी चाहिए आईडी है तो यहाँ पे यूनिक होने की वजह से मैं 1001 ही अगर इसको कर दूँ और नेक्स्ट मैं इसी को कॉपी करूँ सेम वैल्यू को और इसको मैं पेस्ट कर दूँ। लेकिन यहाँ पे मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करूँ इसके अकॉर्डिंग। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ पहले टेबल को, वो कह रहा है कि टेबल पहले क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं टेम्प वन की जगह इसको टेम्प टू कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरा टेम्प टू क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे भी मैं टेम्प टू कर देता हूँ और इधर भी मैं टेम्प टू कर देता हूँ तो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करवाने पे ये मेरी वैल्यू ऐड हो जाएगी।
और अगर मैं अब दूसरी वैल्यू को ऐड करवाऊंगा तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे देगा, डुप्लीकेट एंट्री फॉर की टेम्प टू आईडी, यानी कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है क्योंकि आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट यूनिक यूज किया है, इसलिए ये डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होगी। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेम्प टू, और इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करवाऊँ, एग्जीक्यूट करवाने पे मुझे जो वैल्यूज हैं वो जस्ट 1001 नजर आएंगी, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो यूनिक यूज किया है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ टेबल, क्रिएट टेबल, टेम्प टू क्रिएट किया हुआ, टेम्प थ्री क्रिएट कर लेते हैं, और टेम्प थ्री में मुझे ऐड करनी है, इसी टेबल में मुझे वैल्यूज ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेम्प थ्री, और इसमें मुझे वैल्यूज क्या ऐड करनी है वो मैं वैल्यूज यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी मुझे ऐड करनी है इंटीजर, नेम मुझे ऐड करने हैं वेरकर, कंस्ट्रेंट इसमें 50 ऐड कर देते हैं, एज ऐड करनी है, एज डेटा टाइप इंटीजर में होती है और मैं इसको कह देता हूँ, और उसके बाद मुझे ऐड करना है सिटी, सिटी के लिए वेरकर और कंस्ट्रेंट 50। अब यहाँ पे आप ये कह दें कि आपको ये वाला जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं इसमें जो प्राइमरी की है वो चाहिए आईडी वाली, तो आईडी के लिए आप यहाँ पे एक तो इधर भी आप लिख सकते हैं प्राइमरी की, आपका ये आईडी जो है ये एज अ प्राइमरी की आ जाएगा, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको यहाँ पे प्राइमरी की लिखने की बजाय आप यहाँ पे लिख दें प्राइमरी की आईडी, तो ये आपकी आईडी जो यहाँ पे होगी वो एज अ प्राइमरी की यहाँ पे यूज होगी। और जैसे हमने दूसरी एग्जांपल देखी थी कि आप आईडी और नेम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉमा लगा के नेम को भी ऐड कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो आईडी और नेम का जो है कॉलम, वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो प्राइमरी की बन जाएगा। इस तरीके से हम प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज करने के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय के नाम से, इस टेबल में मैं वैल्यूज ऐड करता हूं कि मुझे आईडी लिखनी है यहाँ में एक कॉलम में, और आईडी जो हो वो इंटीजर के फॉर्म में हो और नॉट नल हो, और सैलरी जो है मैं इसको सेट कर देता हूँ इंटीजर, और डिफॉल्ट इसको अगर मैं सेट कर दूँ 30,000, और इसको मैं यहाँ पे ऐड करके इसमें वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, इसको मैं पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गया है, अब इसमें वैल्यूज ऐड करते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यूज क्या हो, अब वैल्यू क्योंकि हमने आईडी ऐड करनी है और सैलरी जो है बाय डिफॉल्ट ऐड होगी, यहाँ पे मैं आईडी ऐड कर देता हूँ 1001, इसी के बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1002, इधर ऐड कर देता हूँ 1003, और इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, अब यहाँ पे वैल्यूज क्यों नहीं ऐड हो रही, वैल्यूज इसलिए नहीं ऐड हो रही कि हमने यहाँ पे जो है एम्प्लॉय में ये नहीं बताया कि किस कॉलम में आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो वन, कौन से कॉलम की वैल्यूज के अगेंस्ट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी, अब इसलिए हमें यहाँ पे भी आईडी लिखना पड़ेगा, और नीचे वाली जो वैल्यू हमने ऐड की है उसके लिए भी हमें आईडी लिखना पड़ेगा। इनको अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये मेरी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने पे ये वैल्यूज जो हैं यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, पता लग जाएगा, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसको मैं अब दोबारा अगर एग्जीक्यूट करूँ तो ये मेरी वैल्यूज यहाँ पे ऐड जो हमने की हैं आईडीज, उनके रेलिवेंट यहाँ पे सैलरीज जो है बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगी। इस तरीके से हम डिफरेंट जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको यूज करते हैं।